the army and the police are using rape as a weapon against people in places like Chhattisgarh or Kashmir or Manipur and so on. Like most villages of Bengal's Jangal Mahal region, most men have fled for fear of being branded Maoists and subsequent torture and arrests. This 50-year-old woman from Sonamukhi village, 15 kilometers from Jhargram town, alleges she was raped by the joint forces on the 30th of June. Two jawans were dragging my daughter-in-law into a house. I grabbed her and brought her here, and others followed. This is how they terrorize us. 76-year-old Sarabala Mahato from neighboring Birihandi village succumbed to injuries she allegedly sustained at the hands of the forces on the same day. इन दिनों भारत सरकार को जिन सबसे भयानक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनमें से एक है नक्सलवाद की समस्या। समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं। सरकार इसके लिए तरह तरह की योजनाएं की घोषणाएं भी करती रही है, लेकिन शायद अब तक कोई कारगर और वास्तविक कल्याणकारी कदम नहीं उठाए गए हैं, जिनके चलते आदिवासी और ग्रामीण इलाके के लोगों की मूल समस्याओं का निदान दीर्घकालिक नीतियों के साथ नहीं हो सका है। आज देश के 20 राज्यों के 200 से ज्यादा जिले नक्सली हिंसा की चपेट में हैं। अब तक हजारों लोग इस हिंसा के भेंट चढ़ चुके हैं। हाल ही में लातेहार के गांव में नक्सलियों के छापामार हमले में लगभग एक दर्जन पुलिसकर्मी मारे गए। नक्सलियों ने अपने इस छापामार हमले को बहुत ही सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया था, फलस्वरूप पुलिस को भारी क्षति उठानी पड़ी। वहीं नक्सलियों ने एक बार फिर वही दुस्साहस का परिचय दिया और मंगलवार को कटिया जंगल में सर्च अभियान में जुटे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। अभियान के दौरान ही जवानों को क्षति पहुंचाने के लिए माओवादियों ने लैंडमाइंस विस्फोट किया। इस विस्फोट में सुरक्षा बलों को क्षति नहीं पहुंची, बल्कि दो निर्दोष ग्रामीणों के चिथड़े उड़ गए। एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। इन ग्रामीणों की पहचान नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, जैसे ही सुरक्षा बल के जवान सर्च अभियान में पहुंचे, नक्सलियों ने विस्फोट के साथ उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। करीब 1000 की संख्या में नक्सली पेड़ और पहाड़ से मोर्चा संभाले हुए थे। वहीं सोमवार को ही नक्सली मुठभेड़ की घटना में शहीद होने वाले जवानों की संख्या 11 पहुंच गई। नक्सलियों ने न केवल जवानों को मारा बल्कि उनके मृत शरीर के नीचे प्रेशर बम भी लगा रखा था, ताकि उन्हें उठाने वाले लोग भी मारे जाएं। और इसमें वे सफल भी हो गए। पुलिस के मृत जवानों के साथ ही कई ग्रामीणों के भी वहां पे चिथड़े उड़ गए। देश के इतिहास की यह पहली घटना है जब नक्सलियों ने छापामार की इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। बात यहीं खत्म नहीं होती,